एक्सक्यूज मी मैडम, तेरे विराट को हॉट कहेगी तो मेरा अफरीदी तो सिजलर हुआ ना, और कुछ दम होना चाहिए तुम्हारे क्रिकेटर्स के, नहीं कि कुछ भी हो, मतलब कुछ बात है हमारे क्रिकेटर्स में यार, मतलब वो और है उनके अंदर जो तुम्हारे क्रिकेटर्स में बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, रहने दे, तेरे क्रिकेटर ना तो सिर्फ फील्ड में मॉडलिंग ही करते रहते हैं। अच्छा? तेरे क्रिकेटर को तो खेलना भी नहीं आता, और हमारे क्रिकेटर को देखा, माही को, युवराज को, विराट को, एक तो हॉट भी दिखते हैं और खेलने आते हैं ना, लोग उन्हें देखते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल पता है, पार्टीज में आते हैं लड़कियां ऐसे चिपकती रहती है, माय गॉड कैसे चिपकू की तरह, कभी इधर उधर छोड़ती नहीं है हमारे मॉडल। तुम्हारे क्रिकेटर ही चिपकते हैं हमारी मॉडल से, हाय दीपिका, हाय करीना, हमारी मॉडल नहीं जाती इनसे चिपकने के लिए। हेलो मैडम, रहने दो, मुझे मत बताओ, सानिया आई थी शोएब के पास, शोएब नहीं गया था सानिया के पास, और दूसरा आज वो पाकिस्तान में रह रही है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। हेलो, पाकिस्तान में तो रह भी नहीं रही, पाकिस्तान, और अभी भी जब से शोएब के साथ उसका नाम जुड़ा ना, तब से उसकी कुछ बात है, तब उससे पहले तो आए दिन सुर्खियों में, मैडम कहां ये, हेलो, इतने सारे लोचे, माय गॉड कैसे, ओ हेलो मैम, हेलो, सानिया ना कोई तुम्हारे यहाँ पे नहीं रहती, दुबई में रहती है पहली बात, और तुम्हारे ना वो शोएब मलिक आया था, कर लो शादी, और उसके बाद भी देख लो, वो आज भी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, तुम्हारी कंट्री को नहीं करती, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही, वो भी आज भी टेनिस खेलती है ना, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, रहने दे। टेनिस की हर, तो उसके टेनिस को देख तो लो, पहले जब वो शादी से पहले टेनिस खेलती तो कितना हारती थी, उसके बाद जब शोएब मलिक से उसका नाम जुड़ा है तब से, ओ हेलो, अब उसकी रेटिंग खराब हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं मुझे है, मत बता प्लीज। ओके ओके, वन सेकेंड, हाँ तेरा शायद काजल बहुत ज्यादा फैल गया है। वैसे काजल नहीं, सूरमा। हाँ ठीक है ओके।